दोस्तों आरसीबी और एलएसजी के बीच खेले जा रहे आईपीएल 2022 के 31वें मुकाबले में रेड बोल्ड आर्मी को सपोर्ट करने बॉलीवुड की फेमस हस्तियां पहुंची। ये मुकाबला अभी बेहद रोमांचक रहा, जहां पर टॉस जीतकर कप्तान केएल राहुल ने पहले गेंदबाजी का फैसला करते हुए विरोधी टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था और पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। लेकिन डुप्लेसिस ने कप्तानी पारी खेलते हुए ना सिर्फ टीम का मोर्चा संभाला जबकि महत्वपूर्ण रन भी जोड़े। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रवीना टंडन और संजय दत्त रेड आर्मी की जर्सी में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आज का मैच काफी रोमांचक रहा, जहां पर टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत भले ही अच्छी नहीं रही, लेकिन फाफ डुप्लेसिस ने अपनी कप्तानी पारी की बदौलत फैंस और सितारों का दिल जरूर जीत लिया। मैच 4 रनों से फाफ शतक लगाने से चूक गए। आज आरसीबी टीम को सपोर्ट करने बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां भी पहुंची। हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन और एक्टर संजय दत्त की। ये दोनों ही स्टार बैंगलोर फ्रेंचाइजी की जर्सी में नजर आए और टीम को सपोर्ट करते हुए स्टेडियम में कैप्चर किए गए। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों ही सितारे अपने फैंस के लिए रूबरू हो रहे हैं और रेड आर्मी के में टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाल ही में दोनों सितारे रिलीज हुई फिल्म में KGF में नजर आए थे और इस फिल्म में संजू बाबा के कैरेक्टर को काफी पसंद किया जा रहा है और ये फिल्म अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां से आप इस वीडियो का मजा उठा सकते हैं। बात करें अभी तक के मुकाबले की तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन फिर भी टीम ने 181 रन जड़ दिए थे जिसको लखनऊ की टीम जो है वो बनाने में नाकाम रही थी। और इस मैच में फाफ डुप्लेसिस ने एक बार फिर से कप्तानी पारी खेली है, 96 रन की पारी खेली है और इसी के चलते आरसीबी जो है वो नंबर 2 पर पायदान पर आ चुकी है और अब इनके बचे हुए 7 में से इनको 3 मैच जीतने हैं प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए। तो यहां पर आरसीबी का सपना होगा टॉप 2 में क्वालिफाई होने का और इस रेस में अगर कोई इनका ओपोनेंट हो सकता है तो वो हो सकता है गुजरात टाइटंस की टीम, जिनके भी 10 पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों आपके हिसाब से क्या आरसीबी टॉप 2 में जा पाएगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।